चाहत के लिए फिर प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। जैसे जब गोपांगनाओं को पता चला कि हमें कृष्ण चाहिए, हमारे जीवन की चाहत श्री कृष्ण है, ये पता लगते ही उनका जीवन बदल गया। श्री कृष्ण को चाहते ही चाहते उन्होंने अपने जीवन के रहनी को बदल दिया। आप कहेंगे कैसे बदल दिया? हेमंते प्रथमे मासी नंद व्रज कुमारी का आहा, हेमंत ऋतु के प्रथम मास में
जो नंदव्रज की कुमारी कन्याएं हैं उन कन्याओं ने एक अनुष्ठान प्रारंभ किया। वह प्रातःकाल उठ करके जाती हैं, प्रथम यमुना में स्नान करती हैं और स्नान करने के बाद यमुना के ही तट पे बैठ करके श्री कृष्ण की नहीं कात्यायनी की आराधना करती है, क्योंकि ये ब्रजांगनाएं सनातन धर्मावलंबी हैं। सनातन धर्म की परंपरा है पंचदेव उपासना। हमारे यहां पंचदेवों की उपासना है, जिसमें गणेश की है, सूर्य की है, शक्ति की है। ये आराधनाओं का क्रम है। अधिकतर पति की प्राप्ति की आराधना में शक्ति की ही आराधना करने का क्रम रहा है। मां जानकी को जब पता चला कि मेरे हृदय में राम है और राम से ही हमारा काम है, तो सबसे पहले उन्होंने ही शक्ति की आराधना की। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी आदि आदि उन्होंने आराधना करके अपनी प्रार्थना की। और वहां ये हुआ कि खसी माल मूर्ति मुस्कानी, भगवती के सामने प्रार्थना कर रही थी, मूर्ति मुस्कुरा गई और माला गिर गई। मानो संकेत हो गया कि तुम्हारा मनोरथ सफल हो गया। मन जाहि राचिव मिले सो सहज सुंदर सामरो, तुम्हारा मन जहां लगा हुआ है तुम्हें प्राप्ति होगी। कात्यायनी की आराधना का यही प्रतिफल हुआ, किंतु यहां थोड़ा क्रम बदल गया। गोपियां कात्यायनी की आराधना करके प्रार्थना करती हैं, कात्यायनी महामाये महायोगिन्नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। हे कात्यायनी मां, तुम महामाया हो, महायोगिनी हो, योगियों की भी अधीश्वरी हो। आप में सामर्थ्य बहुत है, विशेषताएं बहुत हैं, गुण बहुत हैं, किंतु हम चाहती हैं कि आप हमें जो नंद गोप का सुत है वह पति के रूप में प्रदान करो। तो नियम तो यही है कि जिसकी आराधना की जाए वो प्रकट हो। यहां गोपियां कर रही थी आराधना कृष्ण की, प्राप्ति करना चाहती थी, और कर रही थी आराधना कात्यायनी की, किंतु कात्यायनी नहीं आई, कन्हैया ही पहुंच गए। ऐसा लगता है कि इतनी प्रबल प्रार्थना थी कि कात्यायनी ने मानो कहा कि हम बीच में व्यवधान न बनकर सीधे श्री कृष्ण को ही दे देती है। और कात्यायनी ने श्री कृष्ण के मानस में स्फुरणा की और श्री कृष्ण पहुंच गए। तो यह निश्चित है कि जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं उसको पाने के लिए प्रयास करें। वैसे तो आजीवन तक लोग यही नहीं जान पाते कि हमें चाहिए क्या, केवल देखा देखी दौड़ते हैं। लोगों को लगा कि अमुक के पास पैसा बहुत है इसलिए लगता है सुखी है, तो हमको पैसा चाहिए।
पैसा किस लिए चाहिए? क्योंकि पैसा से सुख मिल जाएगा। ऐसे हम देखते हैं जहां जहां जो जो कहीं देखने को मिल गया कि वो साधन चाहिए तो वही चाहिए। अब चाहिए क्यों, इसका तो निर्धारण आपको करना पड़ेगा या निर्णय होना चाहिए कि हमें चाहिए क्या। तो हम लोग कल श्रवण कर रहे थे कि हमें सत चित और आनंद चाहिए। सब लोग तीन ही चीजें चाहते हैं, सत चित और आनंद। ये तीन की मांग है। अब ये तीनों यदि एक जगह कहीं मिलते हैं तो श्री कृष्ण में मिलते हैं। निश्चित रूप से हम सबको ये पता चल गया कि हम जानते हो न या जानते हो, हम पहचानते हो या न पहचानते हो, हमारी चाहत श्री कृष्ण की है, हमारी चाहत परमात्मा की है। और उसका कारण भी यही है कि हम परमात्मा के अंश हैं। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम सब जितने हैं सब ईश्वर के अंश हैं। और ये प्रकृति का स्वभाव है कि अंश अंशी की ओर भागता है, अंश सदा अंशी की ओर भागता है। ये बिल्कुल वैज्ञानिक सिद्धांत है। जैसे मिट्टी का एक ढेला मिट्टी का अंश है, आप लोग इसको ऊपर फेंको, गति समाप्त होने के बाद ऊपर नहीं आएगा, वो नीचे ही आएगा। पानी का एक बूंद, एक लोटा, एक गिलास, एक लीटर, एक टन, जो भी है, आप देखेंगे पानी का एक अंश है, वो भी मूल पानी का स्रोत नीचे है, वाटर लेवल नीचे है। तो आप चाहे कितना इसको ऊपर चढ़ाओ, किसी यंत्र से चढ़ाओ, कैसे भी चढ़ाओ। अब जैसे मेघ पानी ले जाकर के बरसते हैं हिमालय में, तो वहां बहुत ज्यादा ठंडा होने के कारण वो पानी जम जाता है, बर्फ बन जाता है, फिर बाद में बहुत काल तक न पिघल पाने के कारण वही ग्लेशियर बन जाते हैं। किंतु जब भी वो पानी द्रवीभूत होगा, जब भी पानी पिघलेगा, तो पानी ऊपर की ओर नहीं भागेगा, पानी नीचे की ओर भागेगा, नदियों के माध्यम से सागर की ओर दौड़ेगा। इसका कारण यह है कि निश्चित रूप से पानी का मूल भूत स्रोत नीचे है। ऐसे हम लोगों का जीवन है। जीव जिसका अंश है वो परमात्मा है। तो हम सब जीवों की दौड़ परमात्मा की ओर है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, ये चाहता है उससे मिलना। किंतु आप कहेंगे कि जैसे भाई वाटर लेवल में तो नीचे थे, पानी नीचे है, नीचे भाग जाएगा। आप लोगों ने जब भी देखा होगा, जहां भी देखा होगा, अभी भी देख लो, दीप जल रहा है। इस दीप को जो प्रज्वलित किया गया और ये प्रकाश पुंज के रूप में प्रकट हुआ, इसकी लौ सदा ऊपर भागती है, क्योंकि इसका संबंध सूर्य से है। तो सूर्य से संबंध होने के कारण ये ऊपर भाग रही है। हम आप जाने न जाने कि क्यों ऊपर जाती है, इसमें बहुत महत्व नहीं है। ऐसे हम जाने न जाने कि नदी नीचे की ओर क्यों बहती है, इसका बहुत ज्यादा महत्व नहीं है। हम जाने न जाने कि ऊपर से ढेला नीचे क्यों भाग आता है, इसका बहुत महत्व नहीं है। आप जानो न जानो, ये सहज रुचि है और ये रुचि प्रकृति की है, ये चलती रहेगी। ऐसे आप लोग जानो न जानो, पहचानो न पहचानो, मानो न मानो, आपकी प्यास परमात्मा की है।
और यही कारण है कि जब तक परमात्मा नहीं मिलता तब तक ये प्यास बुझती नहीं है। न धन से प्यास बुझती है, न मान प्रतिष्ठा से प्यास बुझती है, न बहुत वैभव से प्यास बुझती है। मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि ज्यादा मिलने से प्यास और बढ़ जाती है। होना तो यह चाहिए कि प्यास की समाप्ति हो जाए, किंतु प्यास की समाप्ति तो तब हो जब उसकी प्यास हो। जैसे धन की प्यास हो तो धन की प्राप्ति के बाद वह प्यास पूरी होनी चाहिए, जैसे पानी की प्यास हो तो पानी पीने के बाद हमको तृप्ति मिलनी चाहिए, किंतु हमारी जानकारी में हो कि पानी की प्यास है और हमको प्यास पानी की हो ना। जैसे अभी हम लोगों को लगता है कि हमें पैसे की प्यास है, रुपए की प्यास है, सम्मान की प्यास है, सुविधा की प्यास है, किंतु सम्मान सुविधा मिलने के बाद क्या वो प्यास पूरी हो जाती है? नहीं पूरी होती, क्योंकि हमको जानकारी ही नहीं कि हमको प्यास किसकी है। हम तो कई बार देखते हैं कि बच्चा रो रहा है तो मां को लगता है कि शायद भूखा है, तो की तो उसके मुख में बोतल लगाएगी कि तो अपना स्तन लगाएगी। अब उस बिचारी को पता नहीं कि रो क्यों रहा है। माताओं को अधिकतर लगता है बच्चा रोता है तो केवल भूख के कारण रोता है और तो कोई कारण है ही नहीं, किंतु कई बार ऐसा होता है कि बच्चे के पेट में कीड़े काटते हैं, उसको भी पीड़ा होती है। एक जगह में कहीं कथा कर रहा था तो बड़े बड़े संत इकट्ठे थे। उन संतों को जब बाद में प्रवचन देने का हमने समय दिया तो सब लोगों ने प्रतिपादन किया कि संसार में सबसे ज्यादा सुखी बच्चा है, और तर्क ये रखा कि उसको कोई चिंता नहीं, कोई परवाह नहीं, भोजन की परवाह नहीं, कपड़ों की परवाह नहीं, बिस्तर की परवाह नहीं, जिसको चिंता नहीं वही सुखी है। बाद में जब मैं बोलने का समय मिला तो मैं चिंतन करने लगा, बच्चा सुखी नहीं है। ध्यान रखना, बच्चा तो बेचारा ज्ञान में जीता है, उसको स्वयं अपनी जानकारी नहीं है, तो अज्ञान में व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता है। वो तो आपकी मान्यता है, क्योंकि आप चिंता से बहुत दुखी हो, आप थोड़ी थोड़ी बातों से बहुत दुखी हो, तो वो उसके पास नहीं होती तो उसको लगता है कि वो सुखी है। और यदि बच्चा सचमुच में सुखी होता तो रोता क्यों? वह सचमुच में सुखी बिल्कुल नहीं है। सचमुच में सुखी वही है जिसको पता चल जाए कि हमको चाहिए क्या, और पता चलने के बाद उसको पाले। इसलिए सुखी बच्चा नहीं है, सुखी ज्ञानी है, जिसने जान लिया है। अब निश्चित रूप से हम लोगों को पता तो चल गया अभी कितना आप इस पर विश्वास करते हो और कितनी देर इस पर टिकते हो। कई लोग तो सत्संग भवन में जब तक रहेंगे तब तक विश्वास करेंगे कि हमारी प्यास तो परमात्मा की है, बाद में इतना प्रभाव होगा बोलेगे नहीं नहीं हमारी प्यास तो सम्मान की है, हमारी प्यास तो सुविधा की है, हमारी प्यास बच्चों की है। ये सब के पीछे आप देखोगे तो सुख की ही कामना है। आप लोग इसका खूब अनुभव कर लेना कि उन वस्तुओं की आपकी बिल्कुल कामना नहीं है, क्योंकि कामना होने के बाद थोड़ी पूर्ति हो जाने के बाद फिर उसी से जरूरत नहीं है आपकी, उसी वस्तु की आपको आवश्यकता नहीं समझ में आती है, भूल जाते हो आप। तो निश्चित यदि परमात्मा की चाहत है तो परमात्मा से मिलने का प्रयास, जो हम चाहते हैं उसको पाने का प्रयास करें, उद्योग करें, पुरुषार्थ करें। वो कैसे पाया जा सकता है? उससे मिलने का प्रयास करें। हमारे आदित्य गुरुदेव कहते थे दिए की लौ से दिए की लौ जलती है,
जो दीपक दे दीप्यमान है प्रकाशमान है वही तुम्हें देतीमान प्रकाशमान बना सकेगा। तो जिसको परमात्मा मिला है वही तुम्हें परमात्मा से मिला सकेगा, जिसने परमात्मा को जिया है वही तुम्हें परमात्मा से जिला सकेगा। आइए हम सब उसी पर विचार करें। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। परमात्मा व्याप्त है, व्यापक है, और विलक्षणता यह है कि कहीं कम ज्यादा भी नहीं है। आप लोग ये मत समझना कि वृंदावन में ज्यादा है और बंगलौर में परमात्मा कम है। आप ये भी मत समझना कि दादा के सत्संग भवन में परमात्मा ज्यादा है और आपके घर में कम है। आप ये भी मत समझना कि सज्जन में परमात्मा ज्यादा है और दुर्जन में परमात्मा कम है। आप ये भी मत समझना कि स्त्री में ज्यादा है पुरुष में कम है। आप ये भी मत समझना कि बालक में ज्यादा है वृद्ध में कम है। परमात्मा सर्वत्र समान रूप से है, किंतु बालक में परमात्मा इसलिए ज्यादा दिखता है क्योंकि उसका अंतःकरण निर्मल है। जैसे जैसे हम वृद्ध होते जाते हैं वैसे हमारी बनावट बहुत आ जाती है। ये नहीं कि बालक में परमात्मा ज्यादा है, बंगलोर में हमको परमात्मा कम दिखता है, वृंदावन में ज्यादा दिखता है। कारण क्या है कि यहां रजोगुण ज्यादा है, इस रजोगुण में परमात्मा कम प्रकट होता है। जहां सतोगुण बनता है वहां परमात्मा प्रकट होने लगता है। ऐसे सज्जन में आपको परमात्मा दिखता है क्योंकि उसमें सतोगुण ज्यादा है, दुर्जन में आपको परमात्मा दिखता नहीं है। किंतु ये मत समझना जो दिखता नहीं है वो है नहीं है। नहीं तो श्री तुलसीदास जी महाराज की अर्धाली मिथ्या हो जाएगी, झूठी हो जाएगी, अप्रमाणिक हो जाएगी। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, तो जो परमात्मा व्यापकता है और सर्वत्र है, समान रूप से है, अब उस परमात्मा को पाने के लिए किया क्या जाए, कैसे परमात्मा प्राप्त किया जाए। जैसे यहां परमात्मा है किंतु हमको नहीं दिख रहा है। सब कह रहे हैं कि यहां परमात्मा है, और ध्यान रखना जो परमात्मा यहां नहीं है वो परमात्मा कहीं नहीं है। जो परमात्मा अभी नहीं है वो परमात्मा कभी नहीं है। परमात्मा का कभी काल में देश में अभाव नहीं होता है, किंतु उस परमात्मा को प्रकट करने वाला साधन चाहिए। अभी एक हमारे भक्त ने हमको बताया, आगरा के हैं, उन्होंने कहा कि महाराज एक पानी की मशीन आई है, वो पानी शुद्ध किसी नल से नहीं लेती है, किसी झरने से पानी की मशीन पानी नहीं लेती है। आप कहें तो आपके यहां लगवा दूं। हमने कहा पानी कहां से लेती है, उसने कहा हवा से पानी लेती है। जो हवा यहां व्याप्त है उस हवा में भी पानी है, किंतु वो पानी हमको नहीं दिखता। हवा नहीं दिखती तो पानी क्या दिखेगी। तो हमने कहा वो हवा से पानी कैसे निकालती है मशीन, तो निश्चित रूप से फिर तो गर्मी में पानी नहीं दे पाएगी वो मशीन, वर्षा काल में पानी दे देगी, या जहां शीतल हवाएं बहती हैं। ध्यान रखना हवा में जो शीतलता है वो अपनी नहीं है, वो शीतलता पानी की है। हमने कहा कहीं हिमालय आदि में लगाया जाएगा तो निश्चित रूप से उस हवा में पानी ज्यादा है। बोले बात तो आपकी बिल्कुल सही है। मैं चिंतन करने लगा कि निश्चित रूप से हवा में यहां पानी है किंतु हमको दिखता नहीं है, ऐसे संपूर्ण स्थान में परमात्मा है किंतु हमको दिखता नहीं है। तो जैसे वो मशीन लगाने के बाद हवा से पानी अलग किया जा सकता है, ऐसे हमारे अंतःकरण की ऐसी संरचना हो जाए कि इस अंतःकरण की संरचना से परमात्मा जो व्याप्त है सर्व जगह है
वो सब जगह उसको निहारा जा सके, देखा जा सके, उस अपने अंतःकरण को कैसे बनाया जाए जो परमात्मा की भीख न रहे, सुख की भीख न रहे। आज बड़ी विडंबना है, हम सब भिखारी हैं। कोई पत्नी से भीख मांग रहा है सुख की, कोई पति से सुख की भीख मांग रहा है, कोई नौकरों से सुख की भीख मांग रहा है, कोई बच्चों से सुख की भीख मांग रहा है। अरे नारायण, कई लोग तो अपने शरीर से ही सुख की भीख मांग रहे हैं। ये जितने मिले, इसलिए हमारे श्री संतों ने कहा, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। सारी दुनिया की दुनिया भिखारी है, क्योंकि सब भीख मांग रहे हैं, सब शिकायत से भरे हैं। क्यों शिकायत से भरे हैं? कि उसने हमको सुख में व्यवधान दे दिया, और ये दोनों ना समझी है। भीख मांगना भी ना समझी है, और शिकायत से भरा होना भी ना समझी है। ध्यान रखना, जिस दिन तुम्हारे जीवन से भीख मांगना चला जाएगा और तुम्हारे जीवन से शिकायत चली जाएगी, समझ जाना उस दिन परमात्मा को तुम पा गए हो। और जब तक तुम्हारी भीख मांगने की आदत है, तब तक तुम ध्यान रखना भिखारी हो, परमात्मा को पाए नहीं हो। चाहे कितने मंदिर में जाना, चाहे कितने मस्जिदों में जाना, चाहे कितने गुरुद्वारों में जाना, लंगर छकना, तुम भिखारी के भिखारी रहोगे। और वह भिखारीपना तुम्हारा तब मिटेगा जब तुम अपने को पहचान सकोगे, अपने को जान सकोगे, अपने को मान सकोगे। सचमुच में सारा संसार भिखारी है, केवल दाता यदि कोई है तो राम है। थोड़ी थोड़ी बातों में हम दुखी हो रहे हैं, उद्विग्न हो रहे हैं, अशांत हो रहे हैं। इसका अभिप्राय है कि कहीं ना कहीं हमको परमात्मा पर भरोसा नहीं है। अगर परमात्मा पर भरोसा हो तो ये दुखी बार बार हमको होने की जरूरत नहीं है। अगर हम भयभीत भी हो रहे हैं तो परमात्मा पर हमको भरोसा नहीं है, क्योंकि परमात्मा की सत्ता पर भरोसा नहीं है। भय तो तब होगा जब परमात्मा से चित्त भरा न हो। जिसका चित्त परमात्मा से भर जाता है, उसके चित्त में फिर भय नहीं आता है, भय का अभाव हो जाता है। अगर आपके चित्त में परमात्मा भर जाएगा तो किसी का भय नहीं होगा। हम तो देखते हैं लोग इतने ही भर जाते, भयभीत हो जाते हैं कि हमारा कोई हक न ले ले, हमारा कोई प्यार न ले ले। मैंने तो अभी एक बेटी देखी जो करीब 5 वर्ष से मैं परिचित हूं, अभी वो 10 वर्ष की है। तो 5 वर्ष की थी तो मम्मा को कहती थी, मुझे भैया चाहिए, मुझे भैया चाहिए, मुझे भैया चाहिए। माता पिता का मन था कि एक संतान से ज्यादा संतान चाहिए नहीं। फिर बेटी की मांगने पर उन्होंने एक संतान का और प्रयास किया और संयोग से पुत्र हो गया। किंतु पुत्र होते ही उस बेटी की मांग बदल गई, वो मां से झगड़ने लगी और पिता से भी झगड़ने लगी। कई बार तो उस छोटे भाई को नोच लेती थी और कहती थी, ये हमें नहीं चाहिए। हमारे पास भेजी गई, मैंने उससे पूछा कि बेटा क्यों नहीं चाहिए, तुम्हें तो कहती थी भैया चाहिए, भैया चाहिए। बोले, मुझे क्या पता था कि मेरा सब प्यार वही ले लेगा। अब मम्मी को मेरी परवाह ही नहीं है। मम्मी के साथ सोती थी, मम्मी कहती मेरे साथ सोने का स्थान नहीं तुझे। अब मम्मी मुझे ध्यान ही नहीं देती है। पहले मम्मी मुझे स्कूल छोड़ने जाती थी और अब कहती मेरे पास टाइम नहीं है, पापा छोड़ देंगे तेरे को। मुझे पता चल गया है कि कुछ दिन के बाद मुझे अकेला जाना पड़ेगा। मुझे लगा कमाल की बात है, इस छोटी सी बच्ची को भय हो गया है कि हमारा सर्वस्व छिन गया, हमारा प्यार छिन गया। और किसने प्यार छीना,
बोले उस भैया ने प्यार छीना, किंतु ये पता नहीं था भैया आता ना आता समय बदलता है। बड़ी हो जाने के बाद उसको मम्मी की गोद मिलने वाली नहीं थी, उसको दूसरे कमरे में सोना ही पड़ता। बड़ी हो जाने के बाद उसका पिता या उसकी मां कभी छोड़ने जाने वाली नहीं थी, उसको स्वयं जाना पड़ता। किंतु जब हम ये द्वेष से भरते हैं कि इसने हमारा छीना, कोई किसी का नहीं छीनता है, सब अपना ही पाते हैं, अगर इस भाव से भी भरे हो तो याद रखो किसी से द्वेष नहीं करोगे। रागत द्वेष से ऊपर उठने का साधन है ये विचार चिंतन। तो यदि हम परमात्मा को चाहते हैं तो निश्चित रूप से परमात्मा को पाने के लिए कुछ साधन है, उस साधनों का नाम ही नवधा भक्ति है। उसमें से जहां से ये प्रकट हुई है बात, वो बात आपके सामने रख करके मैं नवधा भक्ति की बात करूंगा। प्रहलाद जी महाराज की आयु 5 वर्ष है, कई महीनों से पिता के कोप के भाजन बन चुके हैं, क्योंकि पिता के सामने प्रहलाद ने संसार को अंधकूप कह करके परमात्मा के भजन की प्रेरणा दी थी। मैंने देखा है कि अनधिकारी को ज्ञान देना भी खतरे से खाली नहीं है, और जिसको ज्ञान की प्यास न हो उसको भी ज्ञान देने से खतरे से खाली नहीं है। इसलिए उपदेश का नियम है, जब तक सामने वाला तुमसे पूछे नहीं तब तक वो बताना नहीं चाहिए। हमने बचपन में एक कहानी पढ़ी थी, छोटी सी कहानी। वर्षा काल में मेघ गरज रहे थे, बरस रहे थे, कुछ बंदर डालियों पर बैठकर सिसक रहे थे। भयंकर ठंड थी, क्योंकि मेघ बरसने के बाद हवा तेजी से चल रही थी। एक पक्षी को दया लगी, उस पक्षी ने सोचा कि देखो तो सही, परमात्मा ने मुझे हाथ नहीं दिए हैं, किंतु उसके बाद भी मैं अपना घोंसला बना लेती हूं और वर्षा में मैं भयभीत नहीं होती, भींगती नहीं। इन बंदरों विचारों को तो परमात्मा ने हाथ दिए हैं, ये निश्चित रूप से अपना घर बना सकते हैं और यही मौका है इनको दिशा देने का, क्योंकि इस समय परेशान है। तो इस समय यदि इनको बात मैं कहूंगी चिड़िया ने विचार किया, तो निश्चित रूप से अगले समय पावस ऋतु में इनका मकान बन गया होगा, ये लोग निश्चित मकान बना लेंगे। और हम तो छोटे छोटे कण उठा करके, तिनके उठा करके घोंसला बनाती हैं, इनके तो बड़े बड़े हाथ हैं, वृक्षों की बड़ी बड़ी डालियां तोड़ करके, सूखी डालियां तोड़ करके बना सकते हैं। आकर के पक्षी ने, उस चिड़िया ने आकर के कहा कि भैया हमें पहचानो, बड़े प्यार से उनको कहा, मैं सामने वाले वृक्ष में रहती हूं, वो देखो जो घोंसले टक रहे हैं वो हमने बनाए हैं, आप देख रहे हैं हमारे हाथ नहीं है, हमने उन चोच के दम से छोटे छोटे तिनके ला करके हमने बुना है, आप मेरे को देख करके शिक्षा ले सकते हैं कि आप भी अपना मकान बना सकते हैं। बंदरों ने कहा कि अच्छा, अब तू मेरी उपदेशक बनी है, अब तेरे उपदेश से मैं चलूंगा, तू जो कहेगी वही मैं करूंगा, वो तो मेरी कृपा से तुम्हारे घर हैं, नहीं तो अभी तक घर रहते ही नहीं। और महाराज भींगते हुए बंदर वहां से निकले और निकल जाकर के पक्षियों के सारे घोंसले तोड़ दिए, उनके अंडे भी तोड़ दिए, सब कुछ तोड़ दिया।
मैं निवेदन इसलिए कर रहा हूं इस कथा का, उपदेश का असर सब पर से मत समझना कि सब पर सुधार का ही होगा। जो सुधार करना चाहता है उसको उपदेश दोगे तो चाहे सुधार कर ले, जो सुधार नहीं करना चाहता उसका उपदेश तुम्हारे ऊपर भारी पड़ेगा। इसलिए उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है। प्रहलाद जी महाराज यदि मौन रहते तो शायद उन्हें पीड़ा न उठानी पड़ती। प्रहलाद जी मुखरित हो गए थे क्योंकि प्रहलाद से पूछा था, कथ्यताम वत्स, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे तात कहो। उनको लगता था पिता हमारी बात ले सकेंगे, पिता हमारी बात समझ सकेंगे। कई बार जब लोग हमें छोटा समझते हैं तो हम कितनी अच्छी से अच्छी बात कहें उस बात की वो कीमत कभी नहीं करेंगे। आप अपने को अध्यात्म का गुरु भले मानते हो किंतु कई बार हम माता पिता को देखते हैं, बच्चे उनको जीरो मानते हैं। बच्चों को लगता है कि हर दिशा में मेरी मम्मी फेल है, मैं पास हूं। अम्मा यदि बच्चे को उपदेश देने जाए इस काल के तो निश्चित रूप से वह खूंखार बनेगा, दोष से भरेगा। एक काल तक उपदेश देने की बात है, उसके बाद उपदेश देना मना है। बच्चों को भी दिशा नहीं देनी चाहिए। बच्चे आकर दुखी होकर पूछे कि मम्मा मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, मैं व्यथित हूं, आप मुझे दिशा बताओ तो हो सकता है आप बताओ तो ले सके। मैं तो कई बार देखता हूं घरवाली से सीख लेता है बच्चा किंतु मां से नहीं सीखता है, और मां कई बार सिखाने के लिए जाती है तो उसको लगता है कि निश्चित रूप से ये मेरी गुरु बनना चाहती है और इसका उद्देश्य ठीक नहीं है। इसलिए प्रहलाद से एक शिक्षा लेने लायक है कि कई बार प्रेम से बात करने वाले लोगों से भी सावधान रहना। वो जरूरी नहीं है कि तुम्हारी बात सुनने की मूड में है, वो कई बार अपना सिद्धांत आपके ऊपर थोपने की विचार में है। इसलिए मौन होकर के सुनो। अगर आप उनकी सेवा करना चाहते हो तो सुनने की सेवा ही श्रेष्ठ सेवा है। और दुखित व्यक्ति को तो बिल्कुल उपदेश नहीं देना चाहिए। हमने अनुभव किया है कि जब चित्त दुखित हो तो उपदेश लेने के स्थान पर नहीं होता है, वह उस समय केवल संवेदना लेने के स्थान पर होता है। हमारे श्रीधाम वृंदावन में एक महापुरुष थे, अभी नहीं है, पूज्य स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज, उनका नाम था, स्थान का नाम था कृपा विलास। एक दिन मेरे को बड़े प्रेम से बोले कि स्वामी जी मेरी बात गांठ लगा लो, मेरे से बहुत स्नेह भी करते थे। बोले कि किसी के पिता मर गए हों, किसी की पत्नी मर गई हो, किसी का पुत्र मर गया हो, किसी का स्वजन दूर चला गया हो, संपत्ति की हानि हो गई हो, ऐसी परिस्थितियों में कभी किसी को प्रवचन मत देना। ये मत कहने लगना कि जिसके पुत्र पैदा हुए हैं सब मरेंगे ही मरेंगे। ये भी मत कहने लगना कि पति पत्नी सदा साथ थोड़ी जाते हैं, कोई ना कोई एक जाता है। बोले प्रवचन का काल वो नहीं होता है, उपदेश का वो काल नहीं होता है, उस समय तो संवेदना का काल होता है। कोई बिलख रहा है, कोई दुखी हो रहा है, उसे हृदय से लगा लो और उसके दुख में थोड़ा दुखी हो जाओ। अगर आप उसके दुख में दुखी भी नहीं हुए तो उसको लगेगा कि इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं। हमको बाद में समझ में आया, छोटा बच्चा कभी गिर जाता है आप देखना, उसकी चोट लग जाए तो मां उसको उपदेश नहीं देती कि तू ठीक नहीं चलना जानता है, तेरी गलती से तू गिर गया है। मां उसके साथ लग जाती है और उसको मारती है, जहां गिर गया है ले मैंने इसको मार दिया, इसने तुमको छोड़ दिया है। उस बालक को लगता है कि मां मेरे साथ है। अगर मां उपदेश देने लगे तो उस समय नहीं लगेगा कि मां मेरे साथ में है,
जो दुखी है उसके साथ दुखी हो जाओ। संसार एक रंगमंच है और सफल वही है जिसको मंचन करना आता है। आपको कौन सा पाठ कब दिया गया है उस पर आप विचार करके चलिएगा। आप संवेदनाओं से भरो, प्यार से भरो, परमात्मा से भरो। तो परमात्मा को पाने के लिए मैं निवेदन कर रहा था कि परमात्मा मस्जिद में नहीं है, पंडित परमात्मा केवल मंदिर में भी नहीं है, वह गुरुद्वारे में भी नहीं है, वह सत्संग में भवन में भी नहीं है। हां, ये साधन परमात्मा की अभिव्यक्ति के साधन जरूर है, वहां जाना जरूरी है। जैसे व्यक्ति हवा सब जगह है किंतु यदि अपने टायर में भरना है हवा तो किसी न किसी स्थान पर जाना होगा जहां वो मशीन लगी है जो भरा जा सके। ये स्थान वो केंद्र हैं जहां से आप अपने जीवन की हवा भर सकते हो। व्यापक परमात्मा को यहां से प्राप्त किया जा सकता है किंतु ये मत समझ लेना केवल वही परमात्मा है। इसलिए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना। परमात्मा को प्रकट करने के लिए प्रेम चाहिए। मैं कई बार लोगों को कहता हूं प्रेम के बहुत सारे रूप हैं। जैसे परमात्मा के बहुत अनेक रूप हैं वैसे प्रेम के बहुत रूप हैं। दिन दुखी पर वह प्रेम मरता है तो करुणा बन जाता है, अपने से छोटे के प्रति प्रेम उमड़ता है तो स्नेह बन जाता है, अपने बराबर के वाले के प्रति प्रेम उमड़ता है तो मित्रता बन जाता है। ये प्रेम के ही रूप हैं। कभी वह स्नेह बनता है, कभी वह करुणा बनता है, कभी वह कृपा बनता है। ये प्रेम के ही नाना रूप हैं। और वो प्रेम कई बार जब बहुत उमड़ता है अपने से बड़ों के प्रति तो वही आदर बन जाता है। यह मत समझना कि प्रेम का एक रूप है। प्रेम कभी आदर बनता है, कभी स्नेह बनता है, कभी करुणा बनता है। प्रेम प्रकट होता है तो बहुत सारे रूप से प्रकट होता है। मैं तो कई बार कहता हूं कि प्रेम जब मां के हृदय में प्रकट होता है तो वही दूध बन जाता है, वो स्नेह दूध बना हुआ, और वो प्रेम का प्राकट्य है। इसलिए प्रेम को प्रकट करने के लिए, परमात्मा को प्रकट करने के लिए प्रेम साधन है। अब जिससे प्रेम करना है परमात्मा से, निश्चित रूप से उसका जो प्रथम साधन है, उसका प्रथम अवतरण है जो हमारे जीवन में, वो श्रवण है। हमारे जीवन में प्रथम प्रेम का अवतरण श्रवण है। यहां तो दिव्य वर्णन है कि प्रहलाद जी बहुत पीड़ा सहने के बाद एक दिन पिता के पास गए थे और पिता को प्रणाम किया। प्रहलाद से बहुत कुछ सीखने लायक है। इतनी उपेक्षा करने के बाद, इतना कष्ट देने के बाद प्रहलाद ने अपना शरीर नहीं छोड़ा। हम लोग सापेक्ष जीते हैं, परमात्मा के परिपेक्ष में नहीं जीते हैं। आप सापेक्ष जीना छोड़ो। हमारे एक बड़े गुरु भाई किसी कारण से इस शरीर से नाराज हो गए, वर्षों नाराज रहे। तो मैं जब भी उनको प्रणाम करता था तो मेरे से न तो आशीर्वाद देते थे, न कुशलक्षेम पूछते थे, हमें प्रणाम करता हुआ देख करके मुख मोड़ लेते थे। तो उनकी तरफ से न आशीर्वाद मिले, न कुशलक्षेम मिले, न आंखों का ही कुछ इशारा मिले, तो मुझे बड़ी पीड़ा हुई। हम दोनों की उम्र में बहुत ज्यादा फर्क नहीं था और मित्र भी थे क्योंकि हमारे साथ पढ़े थे, उम्र में बड़े, और वो भी 3-4 साल उम्र में बड़े।
किंतु हम लोगों ने पढ़ाई साथ की थी और संयोग से जितनी डिग्रियां हमने ली उतनी डिग्रियां भी उन्होंने नहीं ली, किंतु मुझे लगता था कि नहीं नहीं मेरे से पहले ये इस क्षेत्र में आ गए और आश्रम में भी मेरे से पहले आए हैं इसलिए बड़े हैं। तो मुझे बहुत कष्ट होता जब उनको प्रणाम करूं तो प्रणाम के बाद प्रसन्नता मिलनी चाहिए किंतु मुझे पीड़ा मिलती थी। बार बार मन में आता था कि प्रणाम बंद करना चाहिए। जब उनको हमारे प्रणाम से पीड़ा होती है तो निश्चित रूप से हम प्रणाम बंद कर देंगे, क्योंकि हम प्रणाम करते हैं तो उन्हें इधर उधर देखना पड़ता है। किंतु मुझे लगा नहीं, अभी हमारे गुरु हैं, वो लोग भाग्यशाली हैं जिनके गुरु हैं, और गुरु होते ही इसलिए हैं कि जहां जीवन के पथ पर हम निर्णय न ले पाए क्या करें क्या न करें, कंफ्यूज हों, उस समय अपनी बुद्धि लगाने की बहुत जरूरत नहीं है। तुरंत गुरुजनों के सामने वस्तुस्थिति रखनी चाहिए और जो वो कह दे उस पथ पर चल पड़ना चाहिए। फिर क्या हानि क्या लाभ। और निवेदन एक और भी कर दूं, जिससे मानने की तैयारी हो वही पूछना चाहिए, केवल पूछने के लिए मत पूछो। कई बार लोग पूछने के लिए पूछते हैं, मानने की तैयारी नहीं है, और जब तक आपकी मानने की तैयारी नहीं है तब तक पूछना नहीं चाहिए। अपने अंतःकरण को पूछ लो कि वहां से जो भी उत्तर आएगा वो उत्तर तुम्हें स्वीकार होगा कि नहीं होगा। ये नहीं कि तुम्हारे मन का उत्तर आ जाए तो स्वीकार हो जाए। और मन के विपरीत हम देखते हैं कई लोगों को पहले से निर्णय लेकर के आते हैं, और यदि मैंने उनके निर्णय में हां कर दिया तो सबको कहते महाराज जी ने कहा इसलिए कर रहा हूं, और यदि उसके विपरीत कर कह दिया तो छोड़ेंगे नहीं उसको। तो इसमें तो आपने अपने मन के ही गुलाम हैं, गुरु के गुलाम नहीं है। अगर गुरु के गुलाम हैं तो गुरु ने यदि कहा कि नहीं तो नहीं, हां तो हां। गुरु बनाते ही इसलिए हैं कि उससे अपना वजनदार ज्यादा समझते हैं, उसमें गुरुत्व। गुरु माने होता वजनदार, हमारे से ज्यादा उनकी बुद्धि का विकास है, हमारे से ज्यादा हमारा हित चाहते हैं वो, ये मान करके हम गुरु बनाते हैं। तो मैंने निवेदन किया उनको, उन्होंने कहा कि तुम्हें प्रणाम नहीं छोड़ना है। मैंने अपनी सारी हृदय की व्यथा रखी, उन्होंने कहा तुम्हें सापेक्ष नहीं जीना है, अगर दुष्ट दुष्टता सज्जनता छोड़ दे तो क्या सज्जन को भी दुष्टता पर ग्रहण कर लेनी चाहिए। वो तुम्हारा उत्तर नहीं देते हैं तो उनका प्रॉब्लम है, किंतु तुम प्रणाम करना मत छोड़ो, अपना ध्यान रखो, प्रणाम करो, अपना स्वभाव मत बदलो। मैं यही निवेदन करता हूं कि किसी के साथ क्रिया, ये तो सठे साठ्यम समाचरे, ये तो संसारी सिद्धांत है, साधक का सिद्धांत है, जो तुकों काटा बवे ताई बवे तो फूल, ये साधक का सिद्धांत है। कभी न कभी उसका चित्त बदल जाएगा और साधक आशावान होता है, जो आशावान होता है वही साधक बन पाता है, उसको परिवर्तन की पूरी पूरी इच्छा भी होती है और पूरा पूरा पता है कि परिवर्तन होगा। तो उस परमात्मा को प्राप्त करना है जिस परमात्मा की हमको प्यास है, तो सबसे पहला प्रहलाद जी महाराज से शिक्षा लें कि प्रहलाद जी महाराज जब दोबारा गए तो प्रणाम करते हैं और साष्टांग प्रणाम करते हैं, उनके हृदय में पिताजी के प्रति कोई द्वेष नहीं था। पिताजी ने उनको उठाया और उठा करके गोद में बैठाला और मस्तिष्क चूमा। माता पिता को अपने बच्चे का मस्तिष्क चूमना चाहिए, सूंघना चाहिए, यह शास्त्र की परंपरा है। आप अपने बच्चे को कभी विदा करो तो उसको हृदय से लगाकर उसका मस्तिष्क सूंघो। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है
कि जब दशरथ जी महाराज राम जी को और लखनलाल जी को विश्वामित्र जी महाराज को देने लगे तो उनका हाथ पकड़कर हृदय से लगाकर पहले उनका मस्तिष्क सूंघा। मस्तिष्क सूंघने से बच्चे का कल्याण होता है और उसको हमारी ब्लेसिंग आशीर्वाद जाते हैं। वो सूंघना भी रक्षा कवच है। आज हम भारतीय परंपरा से बहुत दूर जाते जा रहे हैं और उन दूर जाने के कारण ही हम अपने परिवार से दूर जा रहे हैं, हम अपने बच्चों से दूर जा रहे हैं। कारण क्या है? हम संस्कारों से दूर जा रहे हैं। मैं तो बार बार लोगों को कहता हूं कि पहले सासें अपने बहुओं से पैर दबवाती थी, दबवाना चाहिए। माता पिता अपने बच्चों से पैर दबवाते थे। उसका कारण यही है कि आप देखेंगे इससे प्रीति बढ़ती है। इन क्रियाओं के पीछे भी प्रेम है और इससे एक बंधने का सामर्थ्य होता है। आज हम बच्चों को इतना दूर करते जाते हैं अपनी क्रियाओं से, व्यवहार से। लोग समझते हैं पैसा देने से बच्चे हमारे बने रहेंगे, सुविधा देने से बच्चे हमारे बने रहेंगे। सुविधा और पैसे से बच्चे अपने नहीं होते हैं, बच्चे संस्कारों से अपने होते हैं। इसलिए संस्कार देना बहुत जरूरी है। असुर भले ही अपने बालक से द्वेष करता था किंतु प्रहलाद का मस्तिष्क सूंघा। भागवत में एकदम स्पष्टम संकेत है। और मस्तिष्क सूंघने के बाद कहता है कथ्यताम वत्स, हे बेटे तुम कहो जो तुम्हारे गुरु ने तुमको पढ़ाया है। प्रहलाद जी विचार करने लगे कि हमारे पिताजी तो हमारा गुरु मानते हैं संडा मूर्ख को और मैं अपना गुरु मानता हूं नारद को। सचमुच में जो अर्थ करी विद्या पढ़ाते हैं वो सच्चे गुरु नहीं है, वो केवल अर्थ करी विद्या पढ़ाते हैं। किंतु जो अध्यात्म विद्या का दान दे सच्चा गुरु वही है। आत्मविद्या का दान दे, अध्यात्म विद्या का दान दे वह गुरु है। तो नारद जी महाराज संडामर्क को हृदय से कभी गुरु नहीं मानते, उनको शिक्षक मानते हैं। किंतु नारद जी महाराज को शिक्षक नहीं मानते, अपना गुरु मानते हैं। शिक्षक और गुरु में बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। तो जब इन्होंने कहा कि पुत्र वत्स कथ्यताम कहो जो तुम्हारे गुरुजी ने तुम्हें सिखाया है और तुम्हें अच्छा लगता है, हमारे प्रहलाद जी महाराज गदगद हो गए और उनको लगा कि पिताजी इस समय शायद हमसे प्रेम बहुत कर रहे हैं, निश्चित रूप से हमारी बात समझ पाएंगे। मैं कई बार कहता हूं देहाभिमानी लोग कभी भी भाव का आदर नहीं कर पाते, वो तो केवल अपने देह में अभिमान होने के कारण, अपनी मान्यताओं में अभिमान होने के कारण। प्रेम वही कर पाता है जिसका मन प्रधान होता है। बुद्धि प्रधान भी अगर गलत दिशा में बह गए तो वो भी प्रेमी नहीं होते हैं, वो भी लंबर बन के स्वार्थी होते हैं। बुद्धि प्रधान व्यक्ति बहुत कम प्यार करता है, उसका सारा हिसाब गणित का होता है। इससे यदि हम बात करेंगे तो क्या लाभ मिलेगा? केवल व्यापारी होता है वो व्यापार के आधार पर व्यवहार करता है। उसका आधार प्रेम सौहार्द नहीं है, उसका आधार व्यापार है। और शरीर प्रधान जितने लोग होते हैं इनका प्यार का आधार केवल शरीर है। शरीर को सुख मिले तो प्रेम करेंगे, शरीर को सुख न मिले तो इनका कोई प्रेम नहीं। शरीर की बातों का समर्थन हो तो प्रेम करेंगे और समर्थन न हो उसका तो विरोध कर लेंगे। हिरण्यकश्यप की यही दशा थी।
प्रहलाद ने तो मुस्कुराते हुए बड़े प्रेम से सौहार्द से कहा, पिताजी आपने पूछा है कि मैंने क्या पढ़ा है। मैंने तो यही पढ़ा है कि 9 विद्याएं अपने जीवन में आनी चाहिए, अगर 9 में से एक भी आ जाए तब भी काम बन जाएगा। कौन कौन सी विद्याएं हैं ये? तो प्रहलाद जी महाराज ने एक ही श्लोक में कह दिया, 32 सब छोड़ो। ये 9 बातें 32 अक्षरों में हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः, स्मरणम पादसेवनम, अर्चनम वंदनम, दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। भक्ति की पहली क्लास, प्रथम क्लास, प्रथम क्लास है श्रवण और दूसरी क्लास है कीर्तन। दूसरी कक्षा श्रवणम कीर्तनम, तीसरी है स्मरणम। देखो यदि आप श्रवण नहीं करोगे तो कीर्तन कैसे करोगे? कई बार हमारे राधिका शरण जी जो साथ में गाते हैं संगीत वाले, वो कोई भजन गाते हैं और मैं कोरस करता हूं पीछे से, तो जो उन्होंने पंक्ति गाई है यदि उस पंक्ति को मैं सावधानी पूर्वक न सुनूं तो कोरस नहीं कर सकता, उसको गा नहीं सकता है। कई बार होता है कि वो कुछ गाते हैं और मैं कुछ गा देता हूं। इसका अभिप्राय यह हुआ कि श्रवण ठीक नहीं हुआ। यह श्रवण से ही कीर्तन बनेगा और कीर्तन से ही जब श्रवण कीर्तन करते रहेंगे तो स्मरण बनेगा। स्मरण किसका करते हो? जिसको कभी तुमने सुना हो, जिसको कभी आपने देखा हो, जिसको कभी आपने चखा हो। जैसे कोई पदार्थ खाने को मिला तो तुरंत याद आता, ऐसा तो कभी खाया था, कहां खाया था, स्मरण आता है। वो बाद में चिंतन आता, अच्छा अमुक जगह खाया था, इतने साल पहले खाया था। तो पहला साधन श्रवण, दूसरा साधन कीर्तन। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः, स्मरणम। तीसरा साधन है स्मरण और चौथा है पाद सेवनम, सेवा। देखो धीरे धीरे आप बढ़ते जा रहे हैं। बढ़ना ये है, पहले केवल श्रवण था, इसमें कानों का मातम था, उसके बाद जब आपने सुन करके गाया तो जीव आ गई उसमें। अब जीव आने के बाद इसमें गाना जीव से हुआ और जब अंतरंग और बढ़े तो मन आ गया स्मरण में। अब आपके क्रियाएं और बढ़ती गई, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, अब आपके चरणों का सेवन ये सेवा में है। धीरे धीरे आप चरण सेवा में संलग्न हो गए। फिर बाद में अर्चनम, अर्चन होने लगा। अर्चन की कई विधियां हैं, इसका मैं वर्णन करूंगा कल। अर्चनम, फिर आ गया वंदनम माने प्रणाम कर। अर्चनम वंदनम सख्यम, अब धीरे धीरे आप बढ़े तो मित्रता आने लगी और बाद में ऐसा भाव आएगा सर्वस्व समर्पण, आपका सर्वस्व समर्पित हो जाए, आत्मनिवेदन। ये दास्यम में दास्यता आ जाए कि वो स्वाभाविक है। परमात्मा का जब हम चिंतन करेंगे तो दास्य, उसके बाद आत्मनिवेदन। अब मैं भागवत के आधार पर ये 9 को बता देता हूं, फिर 9 की व्याख्या कर दूंगा भागवत में, क्योंकि श्लोक भागवत का है। भागवत में श्रवण भक्ति किसकी है? श्रवण भक्ति है श्री परीक्षित की। परीक्षित जी महाराज श्रवण भक्ति करते हैं।
कीर्तन भक्ति किसकी है? व्यास जी महाराज की। कई लोग कीर्तन का भी पाठ समझते हैं केवल गाना। आप लीलाओं का लेखन भी करोगे तो वो भी कीर्तन में आ जाएगा। ये कीर्तन भक्ति आ गई, ये वेद व्यास जी महाराज है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, स्मरण करने वाला कौन है? किसका कैसे स्मरण किया जा सकता है? स्मरण भक्ति में श्री प्रहलाद जी महाराज है। प्रहलाद जी महाराज स्मरण भक्ति करते हैं। पाद सेवन में लक्ष्मी जी हैं और अर्चनम में श्री पृथु जी महाराज हैं। वंदनम में हमारे श्री अक्रूर जी महाराज हैं, ये वंदन करने वाले भक्त हैं। और दास्य भक्ति जो है वो श्री हनुमान जी महाराज की है। और आत्मनिवेदन करने वाले कौन हैं? ये आत्मनिवेदन करने वाले हैं श्री बलि जी महाराज। इसलिए वो बलिदान है। बलिदान माने अपना भी सर्वस्व चढ़ा देना। आत्मनिवेदन में कुछ बचता नहीं है। आत्मनिवेदन से बलि के पास कुछ नहीं बचा, आत्मनिवेदन है। अब श्रवण भक्ति की कुछ चर्चा मैं करता हूं आप सबसे, क्योंकि अधिकतर हम लोगों को लगता है कि जो कथा सुनते हैं वो श्रवण भक्ति करते हैं, किंतु ये पूर्ण भक्ति बन नहीं पाती है। श्रवण भक्ति में तीन बातें चाहिए। श्रवणम तो गुरोह पूर्वम, मननम तदनंतरम, निदिध्यासन मित्ते तद पूर्ण बोधस्य लक्षणम। अधिकतर आप लोग शायद ऐसे नहीं होंगे और मैं लगभग दैनिक सत्संगों में जाना बंद कर दिया है। जब डेली सत्संग होता है रोज कोई ना कोई साधु आके कथा सुनाता है, कोई प्रवचन करने वाले सुनाते हैं, तो हमसे बहुत सारे वो दैनिक सत्संग वाले मांगते हैं, मैं उनको समय नहीं देता हूं। आप लोग कहें क्यों नहीं देते हो, वो लगभग सब श्रवण प्रूफ होते हैं और सत्संग प्रूफ होते हैं। वो सुनते तो खूब है और सुनने के बाद जीवन में उतारते हैं, और अभिमान ये हो जाता है कि मैंने इतने संतों को सुना, और कोई अच्छी से अच्छी बात भी वक्ता सुनाए ना तो वहां तो कहेंगे बहुत अच्छी सुनाई, किंतु अपने जीवन में उतार नहीं है। हमारे गुरुदेव के पास एक सज्जन 20 साल से कथा सुन रहे थे बंबई में। एक दिन संडे था, छुट्टी का दिन, ड्राइवर आया नहीं था, तो अपने 20 साल के पोते से कहा कि हमको सत्संग में चल ले चल, तो दादा को लेकर के आया। जब लेकर के आया तो देखा कि कुछ बच्चे भी बैठे हैं, कुछ और भी अच्छे लोग बैठे हैं, देखा कि भारत के कुछ गणमान्य व्यापारी वर्ग जिनका नाम है वो भी बैठे हैं। तो बच्चों को तुम्हारा जो उनके क्षेत्र में बढ़ा हुआ होता है उसी को गुरु मानते हैं। बच्चों को गुरु कोई महात्मा बाबा जी नहीं होते हैं। अगर वो पैसे का महत्व है तो जो सबसे बड़ा व्यापारी होगा तो वो उसको गुरु मानेंगे कि कैसे इसने इतना पैसा कमा लिया, हमको वहां तक पहुंचना है। तो देखा कुछ उद्योगपति भी बैठे थे तो बैठ गया, और उसने महाराज एक डेढ़ घंटे का प्रवचन बड़े प्रेम से सुना। महाराज जी ने पूरा एक डेढ़ घंटे में सत्य की महिमा सुनाई कि सत्य की कितनी विशेषताएं हैं। और ध्यान रखना, बड़ा अद्भुत खेल है संसार में, जिसके लिए तुम झूठ बोलो ना कभी व्यवहार में देखना। हमारे यहां कहते थे जिसके लिए की चोरी, जिसके लिए की चोरी वही कहे चोरवा, जिसके लिए चोरी की थी वही तुमको चोर कहता है। ध्यान रखना, जिसके लिए तुमने कभी झूठ बोला हो मानो उसकी रक्षा के लिए तुमने झूठ बोला है,
तो बाद में वही कहेगा जब वहां झूठ बोल सकता है तो मेरे लिए क्यों, हमारे से क्यों नहीं बोलेगा, उसी का विश्वास चला जाएगा। आजकल तो महाराज लगभग विश्वास है ही नहीं। क्यों विश्वास नहीं है? माता यदि फोन करेंगी कहां हो, बोले दरवाजे पर हूं, बस अभी आया। और पत्नी को भी खबर होती है कि दरवाजा कितनी दूर है अभी, वो भी अनुमान लगा लेती है कि झूठा, अभी 1.5-2 घंटे में आने वाला नहीं है। वो कभी विश्वास नहीं करती है। आप जरा सोचो सत्य की कितनी महिमा है। हमने बचपन में कहानी पढ़ी थी, एक बच्चे के माता पिता मर गए किसी दुर्घटना में। कहानी बिल्कुल सामान्य, आप सब जानते हैं। गांव के लोगों को बड़ी दया आई। उसके पिता भेड़ चराने का काम करते थे, बकरियां चराने का। गांव वालों ने उस बालक का पाला। जो बड़ा हुआ तो बड़ा होने के बाद गांव वालों ने कहा कि तुम अपने पिता की बकरियां संभालो, मैंने इतनी और ज्यादा बढ़ा दी हैं, किंतु जंगल में जब कभी खतरा हो तो मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगा। और आवाज लगाओगे तो गांव के सब लोग भाग कर आएंगे। वो बालक बकरियां चला रहा था, उसको लगा कि लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, परीक्षा करता हूं। उसने पुकारा, दौड़ो दौड़ो, जानवर आया, भेड़िया आया, भेड़िया आया। गांव के लोग दौड़ के पहुंच गए। और जब गांव के लोग दौड़ पके, बोला मैं तो ऐसे ही कर रहा था। 2-3 बार उसने इसे झूठ का प्रयोग किया और बाद में सचमुच में भेड़िया आया और पुकारता रहा, खाकर चला गया, कोई नहीं गया। ये जो झूठ बोलने की आदत है ना, 1-2 बार तो लोग देख लेते हैं, बाद में पुकारते रहोगे, भेड़िया आ जाएगा, खा जाएगा, तुम्हारा घर का भी व्यक्ति कोई नहीं पहुंचेगा, क्योंकि तुमने विश्वास खो दिया। इसलिए सत्य की बहुत महिमा है, व्यवहार में भी और परमार्थ में भी। हमारे एक मित्र थे, बार बार कहते थे कि कभी झूठ मत बोला करो, मौन हो जाया करो, मौन होने में फायदा है। कारण क्या है कि लोग अभ्यस्त हो जाते हैं, जान जाते हैं। तो आज की जो निष्ठा जिंदगी की है वो यही है। तो महाराज जी ने सत्य की बहुत महिमा सुनाई। बालक बहुत प्रभावित हुआ और प्रभावित होकर के जब बाबा को लेकर के जा रहा था गाड़ी में, तो कहा बाबा आप तो मुझे हर संडे ले आया करो, मुझे इस प्रवचन में बहुत आनंद आया। मुझे तो लगता था कि बाबा जी लोग सुनाएंगे कि मर जाओगे तो स्वर्ग मिलेगा और ये करोगे तो नर्क मिलेगा। आजकल यही अधिकतर ये पंडित पुजारियों से बच्चे दूर भागते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि निश्चित रूप से पुजारी जी कोई ना कोई लॉलीपॉप देंगे मरने के बाद का, कि दूध चढ़ाओ तो मर जाओगे तो बाद में दूध पीने को मिलेगा। और बच्चों को वर्तमान में प्रयोग चाहिए। आज विज्ञान युग है, वो भविष्य में कल्पना में नहीं जीने वाले हैं। हर चीज में उनका प्रश्न है कि ऐसी क्रिया क्यों। अगर उस क्रिया का उत्तर नहीं मिलता है तो निश्चित रूप से वो नहीं करेंगे। पहले के समय की बात अलग थी। उस बच्चे ने कहा कमाल हो गया बाबा, इतनी अच्छी बातों से आपने हमको दूर रखा, हमको तो आपको बचपन से लाना चाहिए था, मैं तो अब कभी झूठ नहीं बोलूंगा। बाबा जी ने सोचा कि मेरा तो व्यापार गया, क्योंकि उनको यही अभ्यास था कि झूठ बोलने से ही व्यापार चलता है। उन्होंने कहा कि बाबरे, ये बाबा जी लोगों की बातें सुनकर जीवन में उतारने के लिए नहीं होती हैं, ये तो जब हाल से चलते हैं तो लाइन लगा के जब प्रणाम करते हैं उस कटोरे में ही गुरुवे निवेदितम करके आ जाना चाहिए। वो 10 रुपया तो इसलिए डालते कि उसी के साथ उनकी बात भी वहीं चली जाए। मैं निवेदन कर रहा था, ये दैनिक सत्संगियों का जीवन हो जाता है, उन पर फिर असर नहीं करता। और हमने अनुभव किया है कि जैसे कोई गोली खा रहे हो ना, बहुत दिन तक खाओ तो गोली का असर चला जाता है, फिर उसके बाद दूसरी गोली खानी पड़ती है,
डॉक्टर के पास जाओ तो कहेंगे भाई गोली बदल लो या इसकी डोज बढ़ा लो। कारण क्या है कि हम अपने जीवन में उसको लाते नहीं है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि श्रवण करना हमको आता नहीं है, और श्रवण करना आता नहीं है उससे आपकी तो हानि है ही है, और सारे सारे बच्चों की और परिवार की भी हानि है। मुझे कम से कम 10 परिवार पता है जिनके तीन तीन चार चार पीढ़ी तक सत्संगी थे लोग, और आज उनके बच्चे सत्संग से दूर भागते हैं, महात्माओं से दूर भागते हैं। उसका कारण बच्चे नहीं है, और उसका कारण ये भी ध्यान रखना नई संस्कृति भी नहीं है या नई विद्या भी नहीं है, उसका कारण ये सत्संगी लोग ही है, आप लोग। अगर आपके बच्चे सत्संग में नहीं आते हैं तो उसके अपराधी आप हो और उसके कारण आप हो। आप कहोगे कि आप ऐसा कैसे महाराज जी बोल रहे हैं, अरे प्यारे छोटी छोटी बातों पे तुम घर को सर में उठा लेते हो। इतने साल सत्संग के बाद कुछ परिवर्तन बच्चों ने देखा नहीं तो बच्चे सोचते हैं कि इससे निश्चित रूप से इस विद्या से ये झगड़ा करने की विद्या मिलती है। मेरी मम्मी जब सत्संग से घर में आती तो ज्यादा शोर मचाती है, इसका अभिप्राय यह सत्संग में यही सीख करके आई है, अथवा उसको सत्संग में जाने को न मिले तो घर उठा लेती है। अरे आप अपने चित्त को शांत करना सीखो। हमारे आराध्य गुरुदेव तो बार बार कहते थे कि जीवन ऐसे जीना कि तुम्हें देखकर लोगों को महात्मा बनने का मन हो जाए, तुम्हारी रहनी को देख करके लोगों को लगे कि ये जीवन हम भी जिएंगे। कहते थे तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारी जीवन की रहनी को देखकर तुमसे लोग पूछें कि तुमने विद्या पाई कहां से है, ये ज्ञान पाया कहां से है तुमने, तब लोग उसकी खोज में निकलेंगे। अगर हमारे व्यवहार से शांति झलके, हमारे व्यवहार से सहन शक्ति झलके, हमारे व्यवहार से स्वार्थ राहित्य झलके तो लोग कहेंगे कि ये सत्संग कहां से मिला है इनको, हम भी वो करेंगे। हम देखते हैं कई बार, अब एक बच्चा आकर के रोने लगा, बोला पता नहीं महाराज हमने तो दुनिया में भगवान देखे नहीं है, किंतु मैं कह सकता हूं मैं भगवान से मिला हूं, मैं कह सकता हूं मैं भगवान से मिला हूं। तो हमने कहा बहुत प्रसन्नता की बात है, किंतु कौन से भगवान से मिला हूं मैं बता दूं, मेरी मां मेरी भगवान है, मेरी मां मेरी भगवान है। बोले जैसे भगवान किसी को महाराज देख करके उसकी गलती कहता नहीं है, ऐसे मेरी मां बड़े से बड़े अपराध देख करके किसी से नहीं कहती है। ये परिवर्तन है, ये सत्संग का, ये श्रवण का परिवर्तन है। आप श्रवण सुनो, श्रवणम तो गुरोः पूर्वम, आप गुरुजनों से पहले श्रवण करो फिर एकांत में बैठकर उसका मनन करो। ये केवल प्रोफेशनल जैसे आ गए, कई लोगों तो महाराज बूढ़े लोगों घर में समय नहीं बीतता है, तो चलो भाई इसी प्रकार से घूमना हो जाएगा, थोड़ा मिलना भी हो जाएगा लोगों से, वहां दादा के यहां चलेंगे थोड़ा प्रसाद भी मिल जाएगा, लंगर होगा तो छकने को भी मिल जाएगा, और अपनी सखियां मिल जाएंगी गप मारने को भी मिल जाएगा, और पड़ोसी समझेंगे वाह बहुत बढ़िया सत्संगी सत्संग करने गया था। ये गलत तरीका है। जैसे क्लास में जाते हैं तो सीखने के लिए जाते हैं, आप डायरी बनाओ, चार दिन का भी सत्संग करो, जो तुम उसमें बात अच्छी लगे वो नोट करो, और नोट करके फिर उस पर चलने का प्रयास करो, अभ्यास करो। योगा टीचर भी आपको आकर सिखा जाता है, उसके बाद फिर अभ्यास आपको करना पड़ता है। श्रवण को परिपूर्ण करना चाहते हो तो मनन बहुत जरूरी है, और मनन के बाद निधिध्यासन, मनन की विधि होती है
मनन कैसे करना चाहिए वो बताता हूं। कोई बात हमने सुनी श्रवण की तो निश्चित रूप से मानो सुना कि हमने भगवान बहुत करुणा से भरे हैं, ये हमने सुना भगवान करुणा के साक्षात विग्रह हैं, ये सुना। अब एकांत में बैठ के चिंतन करने लगे भगवान ने करुणा किस पर की, कहाँ की, तब जो आपने सुना है भागवत सुना है रामायण सुना है जहां जहां आपको पात्र मिले वो करुणा की बात उनको याद आ गई। फिर उन दृष्टांतों से चिंतन किया, उसका श्रवण मनन किया, बाद में अपने जीवन को मनन किया कि मेरे जीवन में भगवान ने कहां कहां कृपा की है, क्या जहां तक हम पहुंचाऊं पहुंचे अपने पुरुषार्थ से पहुंचे। आप अपने जीवन में थोड़ा दृष्टि डालोगे कि विषम परिस्थिति हमारे जीवन में आई थी उस समय हमको किसने बचाया, उस समय हमको किसने हाथ दिया, उस समय हमको किसने साथ दिया और उस समय हम परिस्थिति से कैसे निकल गए। ऐसा लगता था ये परिस्थिति तो हमारा जीवन लेकर जाएगी, ऐसा लगता था ये परिस्थिति आ गई है अब हम समाज में मुख दिखाने लायक नहीं रहेंगे, ऐसा लगता था ऐसी परिस्थिति में अब तो हमारे बच्चे भी हमको नहीं मानेंगे, हम तो जिंदगी में फेल हो गए। और बाद में अवलोकन करो कि फेल को पास में किसने बदल दिया, तो आप जब उसको खोजने के लिए जाओगे तो निश्चित रूप से करुणा के स्वरूप भगवान का हाथ ही कहीं पाओगे, और जब हाथ पाओगे तो आपको भगवान से प्रेम होने लगेगा। अभी अपने साथ हम परमात्मा को पाते नहीं है, केवल सुनकर आते हैं, किंतु जब आप अपना निरीक्षण करना प्रारंभ करोगे मनन करना प्रारंभ करोगे तो आपको लगेगा कि प्रतिफल वह कैसे हमको संभालता है, आपको उनका हाथ भी दिखेगा आपको उनका साथ भी दिखेगा, ये श्रवण से दिखेगा, अभी तक दिख नहीं रहा था, ये श्रवण से आपको दिखने लगेगा कि परमात्मा का हमारे साथ हाथ है और परमात्मा का सदा हमारे साथ साथ है। वो दिखता भले नहीं है किंतु काम सबको करता है। हम तो हमारे पल पल पर जब उसका स्मरण करते हैं तो उनके बारे में कहने के लिए मेरे पास आंसुओं के अलावा कुछ नहीं होता है, हमारा तो हृदय गदगद हो जाता है कैसी कैसी परिस्थिति में, और सबके जीवन में घटनाएं घटती हैं, जिस समय संबल कोई नहीं दिखता संसार में और कैसे हाथ पकड़ करके निकाल देता है परमात्मा, और कैसे अपना एहसास दिख, ये श्रवण से आपको पता चलेगा, क्योंकि श्रवणोपरांत जब आप मनन करोगे बिना मन युक्ति अनुभूति और श्रुति, ये तीन चीजें हैं मनन में, युक्ति अनुभूति और श्रुति, श्रुति माने जो सुना है उसका प्रमाण, जैसे रामायण में आपने सुना कि भगवान कितने करुणा से भरे हुए हैं कि कैकेयी जैसी मां को भी भगवान ने कभी गाली नहीं दी, आप कभी पढ़ोगे तो आप रो पड़ोगे, जब चित्रकूट में कैकेयी मां गई कोई उनसे नहीं बोलता था, अरे नारायण अपना पुत्र भी अपना विरोधी हो गया था, जिसके लिए उसने राज्य मांगा था, जिसके लिए राम का वनवास मांगा था, वही दुश्मन बन गया, उसने कहा कि हम तुम्हारा कभी मुख नहीं देखेंगे और तुम्हें जिंदगी भर कभी राम मां नहीं कहेंगे। आप भगवान की करुणा देखो कि जब कैकेयी चित्रकूट में गई तो भगवान दौड़ पड़े और सबसे पहले कैकेयी मां से मिले और प्रणाम किया। आप ये करुणा देखोगे ना जब पता चलेगा, अरे ऐसा भी स्वभाव उनका, इसलिए राम की बड़ाई दुश्मन भी लोग भी करते थे, दुश्मन करते थे राम की बड़ाई। आप देखेंगे कि जब आए 14 वर्ष का वनवास पूरा करके तो सबसे पहले कैकेयी के पास गए, ये राम का स्वभाव। आप ये जब सुनोगे कि अरे ऐसी करुणा करते हैं भगवान, ऐसे पर भी दया करते हैं, आप जब
पुतना का चरित्र सुनोगे कि वे दूध पीने वाले बालक है और राक्षसी अपने स्तनों में जहर लगा के आई और जहर लगा के आई किंतु वारे वाक नहीं आ, उसका मां का दूध भी पिया, उसके मातृत्व को भली नकली मातृत्व था किंतु नकली मातृत्व को भी धन्य किया उन्होंने, और बाद में जो मां की गति मिलनी चाहिए वो गति कन्हैया ने दी। अब जब ये चिंतन आप करोगे ना, ये श्रुति है, ये सुन के हमको पता चला है, फिर आप अनुभव करने लगो, अरे कैकेयी जैसा दुष्ट तो मैं नहीं हूं, मेरे में तो क्रूरता नहीं भरी हुई है, किंतु जब उनको वो मां कह के पुकार सकते हैं तो मुझे क्यों नहीं, मैं तो पूतना जैसी तो नहीं हूं, है कुटिलता, है झूठ, है दंभ, है बनावट, किंतु वैसी बनावट तो नहीं है, तो निश्चित रूप से हमें धन्य करेंगे और धन्य कर रहे हैं। अनुभूति करिए अपने जीवन की, अपनी अनुभूतियों को इसमें शामिल करिए। आप अनुभूतियों को कह तो नहीं सकते हो सबके सामने, किंतु कम से कम अनुभूतियों को जी तो सकते हो, एकांत में उनको विचार तो कर सकते हो कि हमारे जीवन की बहुत सारी अनुभूतियां ऐसी हैं जो भगवान की करुणा से भरी हुई है, भगवान की कृपा से भरी हुई है, भगवान के अनुग्रह से भरी हुई है। परीक्षित जी महाराज यही कहते हैं, जब उनको सुनने को मिला वो कहते, मैं जानता हूं अदम क्षत्रिय हूं, मेरी योग्यता भी नहीं है, किंतु आप सुखदेव गुरुदेव यदि आए हैं तो केवल परमात्मा की करुणा के कारण आए, और हर समय पूरे समय परीक्षित ने परमात्मा की करुणा को जिया है। ये परमात्मा की करुणा केवल श्रवण की विषय नहीं है, परमात्मा की करुणा जीने की विषय है। इसलिए श्रवणम तो गुरोः पूर्वम, श्रवण उसी से करना चाहिए जिसके प्रति आपका आदर हो, और पहले से यदि आप आदर से भरे नहीं हो तो उसकी बात आपके जीवन में असर नहीं करेगी। हमने देखा है कि अनजान व्यक्ति से सुना जाए कि जिससे हमारा, अब जरा विचार करो जिसके बारे में आपकी मान्यता हो ये दुष्चरित्र है, जिसके मामले में आपको मान्यता हो कि काम से, क्रोध से, लोभ से भरा हुआ है, और यदि वो व्यक्ति बोलना प्रारंभ करे और वैराग्य की बात कहे तो आपको लगेगा स्वयं तो इतना घोटाला करके बैठा है और हमको वैराग्य सिखा रहा है, और वो चरित्र की बात कहे तो कहेंगे कि हम तो इसका संबंध जानते हैं कहां कहां है और मुझे चरित्र सिखा रहा है। उदारता की बात कहे कि व्यक्ति को उदार होना चाहिए और आपका उस पर आदर नहीं है तो आप 25 टिप्पणियां करोगे कि अरे ये कौन सा उदार है, एक एक रुपए के लिए तो झगड़ता घूमता है, तो उसका श्रवण किया हुआ आपके जीवन में काम आने वाला नहीं है, वो आपका अंतःकरण बदल नहीं सकेगा। ये हिंदुस्तान भेड़िया दशान जैसे दौड़ो मत कि दौड़ रहे हैं बस, समय पास कर रहे हैं, जीवन का परिवर्तन करना है तो निश्चित रूप से जिस पर आदर हो उसकी वाणी सुनो। इसलिए ये वेद का मंत्र है जो मैंने भी बोला, श्रवणम तो गुरोः पूर्वम मननम तदनंतरम, ये गुरोः पूर्वम श्रवणम, गुरु से पहले श्रवण करो क्योंकि उसके प्रति हमारा आदर है, हमको विश्वास है कि जो कह रहे हैं सत्य कह रहे हैं, हम पहले जो प्रवेश करेंगे अपने चित्त में जो बात विश्वास के कारण, उसके बाद ये मनन, युक्ति, अनुभूति और श्रुति, युक्ति लगा लगा करके, जैसे मैंने पहले युक्तियां आपको बताई कि आपकी चाहत क्या है, ये युक्ति थी, आप सत्य चाहते हो, कहां कहां चाहते हो, चित्त चाहते हो, आनंद चाहते हो, ये सारी युक्तियां थी। उसके बाद हमने अनुभूति आपके साथ शेयर की, उसके बाद मैंने श्रुति में आवरण किया, और श्रुति वर्णन करने के बाद अब इसी को इस क्रम से आप चिंतन करें तो यदि आपके जीवन में श्रवण भक्ति आ गई
तो भगवान कहीं दूर नहीं, जो परमात्मा अभी और यही है, उस परमात्मा की अनुभूति आपके पल पल पर आपको होने लगेगी। आप उस रस से, आनंद से भर जाएंगे। मैं आराध्य के चरणों में यही प्रार्थना करता हूं, आपके जीवन में श्रवण परिपूर्ण हो और आप परमात्मा रस से भरें। इसी प्रार्थना के साथ, जिनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित, बोलो भक्त वत्सल भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।